नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गौर में। आज हम बात करने वाले हैं 1300 से भी ज़्यादा पदों पर निकली हाई कोर्ट में भर्ती के बारे में। तो क्या है भर्ती की जानकारी, कौन कौन से पद यहाँ पर निकले हैं, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, सैलरी क्या रहेगी, आवेदन किस प्रकार से कर सकते हैं, आवेदन शुल्क क्या रहेगा, संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। बस एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लेना ताकि आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए भर्ती के वीडियो की नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे यूट्यूब चैनल होने के साथ साथ हमारी एक वेबसाइट भी है। एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ जिसमें आपको हर डे इनकम यहाँ पर मिलने वाली और इंस्टेंट बीट डाल यहाँ पर मिल सकता है, जिसमें मिनिमम बीट 100 लगा सकते हैं। दोस्तों हम बात करें एलडीएस की, एलडीएस में ज्वाइन होने के लिए आपको हमारी लिंक से साइन अप करना पड़ेगा, जिससे आपको साइन अप बोनस 108 रुपये मिलेगा। टोटल प्रोसेस करने के बाद टोटल 208 रुपये जो कि आप इंस्टेंट बीट डाल कर सकते हैं, 24 घंटे के अंदर आपके बैंक खाते में जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी डेली इनकम जो हमने जो रिचार्ज करके रखा है वो 500 करके रखा है, 490 रिचार्ज कर सकते हैं। आप बोलेंगे कैसे प्रेस कर लें, किसमें रिचार्ज कर लें, तो आपको इसमें 500 रिचार्ज करके प्रेस करना है, उसके बाद आपको इसमें बड़ा रिचार्ज करना है। आप छोटा रिचार्ज करिए, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना ही होता है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट पैसे कमाने लगे आपको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर हमने विड्रॉल ऑप्शन पर एक विड्रॉल कर सकते हैं, जैसे हमने विड्रॉल लगाएं 21 तारीख को, 21 तारीख को यहाँ पर विड्रॉल लगाएं, ठीक है। तो इसलिए हमें अब यहाँ पर सक्सेसफुल आ रहा है, हमें आपको अपने यहाँ पर देख सकते हैं हमारे बैंक में पैसा है, ठीक है। ये पैसा हमारे बैंक में यहाँ पर आ चुके हैं, जो कि रियल कोई फेज यहाँ पर नहीं है। दोस्तों 500 से ज्वाइनिंग करते हैं तो 25 रुपये पड़े आपको मिलेगा, जो कि 40 दिन तक मिलेगा, टोटल 1000 रुपये यहाँ पर मिलेगा। टीम कमीशन भी रहता है दोस्तों, और इसमें आपको रेफर बोनस मिलेगा, एक दिन में अगर आप 3 व्यक्ति को ज्वाइन कराते हैं तो 200-250 करके आपको बोनस मिलेगा। उसके बाद अगर आपकी टीम का साइज 30 हो जाता है तो आपको 2000 रुपये हर मंथ की 20 तारीख को मिलेगा। इसमें अगर ज्यादा लोग भी होते हैं, मैंने कहा आपको 500 रुपये का बताया है रिचार्ज प्लान, तो आप इसमें अगर रिचार्ज प्लान करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर ज्वाइन हो जाए, हमें पर्सनल मैसेज कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आई, कोई समझ में नहीं आ रहा है तो हमसे कॉन्टैक्ट जरूर करिएगा। इस ऐप को एक बार यूज करके जरूर देखिएगा, आपको डेली इनकम होगी। धन्यवाद। गूगल पर आपको सर्च करना है गौर न्यूज़ 24, गौर न्यूज़ 24 लिखकर जैसे इस करेंगे हमारी वेबसाइट यहाँ पर आपको फर्स्ट पहले दिख जाएगी। गौर न्यूज़ 24 को अभी तक आपने नवीनतम अपडेट पाने के लिए फॉलो नहीं किया है तो इसे ज़रूर फॉलो कर लीजिए। हाईकोर्ट में 1318 पदों पर भर्ती निकली है, तो चलिए जानते हैं उसकी पूरी जानकारी, पूरी डिटेल क्या है। गुजरात हाईकोर्ट ने 22 मई को स्टेनोग्राफर, सेक्शन ऑफिसर के, कंप्यूटर ऑपरेटर सहित 1338 विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन के साथ ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कैंडिडेट कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर अप्लाई करने की लास्ट डेट 15 जून 2024 है। भाई 17 से 19 जून के बीच एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। कौन सा पद है, स्टेनोग्राफर सहित अन्य पद यहां पर लास्ट डेट इसकी 15 जून है। इसके आवेदन 22 मई से स्टार्ट हो चुके हैं। आवेदन के लिए आपको 1000, 1500, 2500 पोस्ट के अनुसार यहाँ पर आपकी फीस रहने वाली है। टोटल पद यहाँ पर अगर हम देखें तो 1317 पद हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक यहाँ पर दी गई है, आप इसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। कौन कौन से पद है, इंग्लिश स्टेनोग्राफर के 14 पद है, उप अनुभाग अधिकारी के 122 पद है, कंप्यूटर ऑपरेटर के 148 पद है, ड्राइवर के 34 पद है, कोर्ट अटेंडेंस के 208 पद है, कोर्ट मैनेजर के 21 पद है, गुजरात स्टेनो ग्रेड के 214 पद है, सेकंड के गुजरात स्टेनो ग्रेड, थर्ड के 307, प्रॉपर सर्वर वेलिफ के 210 पद है। तो टोटल मिलाकर 1300+ यहाँ पर पद यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। दोस्तों आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा उम्मीदवारों की कम से कम आयु 18 साल होनी चाहिए और अधिकतम 35 साल होने चाहिए। SC ST SC EW कैटेगरी और महिलाओं को अधिकतम उम्र में 5 साल और दिव्यांग उम्मीदवार को 10 साल की छूट यहाँ पर दी जाएगी। एक्स सर्विसमैन को सर्विस के साल घटने के बाद 3 साल तक की छूट दी जाएगी। स्टेनोग्राफर के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो स्टेनोग्राफर के लिए किसी भी स्ट्रीम में आपको ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए। ग्रेड सेकंड के लिए इंग्लिश 60 और स्पीड 120 शब्द होना चाहिए। ग्रेड थर्ड के लिए 100 शब्द प्रति मिनट 60 हेड स्पीड होना चाहिए। अनुभवी अधिकारी किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। 10वीं 12वीं क्लास में इंग्लिश सब्जेक्ट होना जरूरी है, ठीक है। भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से न्यूनतम 55 अंकों के साथ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर्स में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट की बात करें तो जो सब को जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है उससे संबंधित डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है, और पास जो यहाँ पर बताया गया है वो डॉक्यूमेंट भी आपको लेकर जाना है। सैलरी की बात करें तो इंग्लिश स्टेनोग्राफर को 39,000 से 1,26,600 रुपये तक दी जाएगी। DSO की बात करें तो 39,900 रुपये प्रतिमा। कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करें तो 19,900 से लेकर 63,200 रुपये प्रतिमा। कोर्ट मैनेजर की बात करें तो 56,100 रुपये प्रतिमा। गुजराती स्टेनोग्राफर सेकंड की बात करें तो 44,000 से 1,42,000। गुजराती स्टेनोग्राफर सेकंड की थर्ड की बात करें तो 39,000 से 1,26,000 तक यहाँ पर आपको पेमेंट मिलने वाली है। सिलेक्शन प्रोसेस मौखिक साक्षात्कार के आधार पर मौखिक परीक्षा होगी 20 अंकों की। अंतिम मेरिट सूची में चयन होने के पात्र के लिए उम्मीदवार को वॉइस टेस्ट मौखिक साक्षात्कार के न्यूनतम 50 अंक प्राप्ति यहाँ पर होना चाहिए। चयन प्रक्रिया की बात करें तो चयन सूची मुख्य लिखित परीक्षा, आंसू लिपि, कौशल परीक्षण और मौखिक परीक्षा में उम्मीदवारों के द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर की जाएगी। चयन सूची विज्ञापन रिक्तियों के भरे जाने के बाद इसके प्रकाशन की तारीख 1 वर्ष की अवधि तक जो है पहले लागू होगी।
आवेदन किस प्रकार से करना है वो जानकारी यहाँ पर आपको दिख रहा है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर नोटिफिकेशन के लिए आपको क्लिक कर देना है। ऑनलाइन आवेदन के लिए यहाँ पर क्लिक करें तो चलिए हम आपको बता देते हैं ऑफिशियल इसका नोटिफिकेशन। ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं हाई कोर्ट ऑफ गुजरात, यहाँ पर पूरा नोटिफिकेशन आपको 67 पेज का जो है वो PDF यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप को आप व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के साथ साथ आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।